नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष शर्मा। T20 वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा 10 नवंबर को, लेकिन इससे पहले टीम इंडिया को एक बुरी खबर मिली है। खबर यह है कि विराट कोहली सुबह पता चलता है कि इंजर्ड हो गए, प्रैक्टिस के टाइम इंजर्ड हो जाते हैं। उसके बाद उनके खेलने या ना खेलने पे सस्पेंस लगातार बरकरार रहता है। अब रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी आते हैं, उन्होंने कुछ ज्यादा कुछ बताया नहीं, उनकी इंजरी के बारे में भी कुछ नहीं बताया, ना बताया विराट कोहली की अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है। हालांकि उन्होंने खुद की अपडेट दी, उन्होंने बताया कि मैं पूरी तरीके से फिट हूं, और हालांकि मुझे लगी थी चोट लगी थी नेट करते हुए, लेकिन उसके बाद मैं पूरी तरीके से फिट हो चुका हूं और सेमीफाइनल मुकाबला खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। लेकिन इससे पहले बुरी खबर यह है कि विराट कोहली बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, विराट कोहली मैच से तो बाहर हुए हैं या नहीं हुए ये अभी कह नहीं सकते, उम्मीद करेंगे कि ना हो, लेकिन विराट कोहली एक जगह से या कहें एक लिस्ट से जरूर बाहर हो चुके हैं। वो जगह है ICC की T20 रैंकिंग। जी हाँ, विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में बहुत रन बना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो ICC की ताजा रैंकिंग आई है उसमें विराट कोहली को नुकसान हुआ है और टॉप 10 से वो बाहर हो गए हैं। जी हाँ, ICC ने आज अनाउंस किया अपनी रैंकिंग, उसमें विराट कोहली 10वें स्थान से 11वें स्थान पे खिसक गए हैं। इसका मतलब ये है कि टॉप 10 में अब वो नहीं है और टॉप 10 की रेस से या टॉप 10 बल्लेबाजों में अब वो शामिल नहीं है और वो इस लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हर्षदीप की बात करें, सबसे ज्यादा फायदा उन्हें मिला है, वर्ल्ड कप में बेहद शानदार प्रदर्शन किया है और अब 23 पायदान वो ऊपर आ गए हैं और अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग भी उन्होंने पाई है। इसके अलावा रैंकिंग में फायदा मिला है किसको, अश्विन को, जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी करी थी और 3 विकेट भी लिए थे। वहीं सूर्य कुमार यादव अभी भी नंबर 1 पर बरकरार है, इसका द लिमिट कुछ नहीं है उनकी लिमिट, और नंबर 1 पे टिके हुए हैं। पिछली बार जब ICC ने अपनी रैंकिंग घोषित की थी तो नंबर 1 घोषित हो गए थे और उन्होंने वो अपनी जो जगह है वो बरकरार रखी है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कौन वे दूसरे नंबर पे हैं और रिजवान नीचे खिसकते जा रहे हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी या बुरी खबर है वो विराट कोहली के लिए है, क्योंकि अच्छी फॉर्म के बावजूद ICC ने अपनी टॉप 10 से उनको बाहर कर दिया है और इसको देखते हुए भी फैन काफी निराश है और काफी गुस्से में भी है, क्योंकि सभी को ये लग रहा था कि विराट कोहली टॉप 10 में रहेंगे, वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। लेकिन पिछले मैच में इतना अच्छा प्रदर्शन रहा, नीदरलैंड के खिलाफ भी 25 रन ही बना पाए थे, तो एक खराब पारी की वजह से वो अपना जो टॉप 10 की जगह है वो खो बैठे और नंबर 11 पे खिसक गए। तो इस खबर के बारे में क्या कहेंगे, विराट कोहली की फॉर्म के बारे में क्या कहेंगे, इंजरी अभी कंसर्न, लेकिन उम्मीद करेंगे कि वो जरूर खेलेंगे। इसके अलावा DK अपन किसे खेलना चाहिए और क्या भारत इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हरा पाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आपने अब तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।